नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार, एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमें अपनी टावर क्रेन में सपोर्ट भी करनी है और उसकी हाइट भी करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये काम एकदम से हो जाएगा, इसकी तैयारी हमें पहले से करनी पड़ती है। तो पहले से ही हमने कोलम में प्लेट फंसाई हुई है और वाल में भी उसका सिस्टम लगाया हुआ है, ब्रैकेट हमने लगाए हुए हैं, सी फ्रेम हमने लगा दिया है, और टी फ्रेम लगने के बाद में और टाई तैयार होने के बाद में, वो टाई हमें फंसाने के बाद में हाइट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ टाई को तैयार करने में। और टाई हमें कैसी बनानी पड़ती है, पहले हमने इसमें एक जो चैनल को आपस में जोड़ कर बनाते हैं तो उस टाइप की हमने टाई इसमें तैयार की है, लेकिन कंपनी ने वो नामंजूर कर दी, यानी उसको डिनाई कर दिया, उसको मना कर दिया कि आप ये नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारी जो लेंथ है वहां से क्रेन से बिल्डिंग की जो लेंथ है वो 8 मीटर लगभग हो रही है, तो उतनी लंबी लेंथ में उस टाइप की टाई हम नहीं लगा सकते हैं। जो चैनल को जोड़कर हम बना लेते हैं तो हमें एंगल की बॉक्स टाइप टाई ही बनानी पड़ेगी और वही हम तैयार करके लगा रहे हैं। तो आओ शुरू करते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज उसे लाइक भी जरूर करें और हमारे चैनल एसके इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पर आपको स्पेशल कंस्ट्रक्शन से जुड़ी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी और कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को इसमें मिलेगा। तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आओ वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जहां हमें सपोर्ट लगानी है वहां हमने सी फ्रेम इसमें बांध दिया है और सी फ्रेम बांधने के बाद में ही हमें इसको मशीन को खड़ी करके वहां से और जहां तक जहां पे हमें बिल्डिंग में सपोर्ट लगानी है वहां तक की दूरी लेनी पड़ती है। तीन टाई हमें बांधनी है तो तीनों की हमें लेंथ निकालनी पड़ती है और तब जाके वो टाई हमें तैयार करवानी पड़ती है। एंगल से हम ये टाई तैयार करवा रहे हैं तो ये मजबूत रहती है। इससे पहले हमने चैनल से बनवाई थी तो लेकिन उसको कंपनी ने फेल कर दिया है, क्योंकि ज़्यादा लेंथ की टाई जो है वो एंगल की ऐसे बॉक्स टाइप जो बनाई जाती है वो ज़्यादा मजबूत रहती है। तो आप ये देख रहे हैं पहले जो चैनल की बनी हुई है यहाँ पे पड़ी हुई, पहले हमने वो तैयार करके रखी हुई थी लेकिन वो कंपनी ने फेल कर दी है तो वो नहीं लगेगी, तो ये लगेगी, ये उससे ज़्यादा बेटर है और ज़्यादा मजबूत है। तो इस तरह से ये अब तैयार हो गई है हमारे पास में तीनों टाई, और अब इनको एक एक को उठा करके हम लगाते चले जाएंगे और यहाँ से हमने क्रेन से बिल्डिंग तक की कनेक्टिविटी बना ली है ताकि आने जाने के लिए हमें रास्ता ये क्लियर मिल जाए, क्योंकि इधर उधर जाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ये रास्ता हम नहीं बनाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो दो तीन बंदे हमें क्रेन की तरफ रखने पड़ेंगे और दो तीन इधर बिल्डिंग में रखने पड़ेंगे, तब काम हो पाएगा, यानी मैन पावर ज़्यादा लग जाएगी और काम करने में भी थोड़ा असुविधा होगी। तो इस तरह से हम इसको अब क्रेन से उठाकर और इसको वहाँ पर लगाना शुरू करेंगे। तो वैसे तो दोस्तों इसमें एक्सपर्ट बंदे जो हैं वो आए हुए हैं यहाँ पे, वही काम कर रहे हैं, तो लेकिन बताने में ऐसा हो जाता है कि हाँ हम करेंगे ऐसे, लेकिन यहाँ पे जो काम करने वाले बंदे हैं वो एक्सपर्ट टीम है तो वही यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये हमने प्लेट पहले से लगवाई हुई है वाल में और कॉलम में, हमने पहले से ही ब्रैकेट इसके फिट करा लिए थे। तो सबसे पहले ये यहाँ पे ये टाई हम पहले फिट कर लेते हैं, इसके बाद में यहीं से लगाते चले जाएंगे। ये एक नंबर है, फिर दो नंबर, फिर तीन नंबर, इस तरह से। और ये एडजस्टर है इसका, इसको आप ये ध्यान रखें कि ये थोड़ा फ्री घूमना चाहिए तभी हम इसको सही से लगा पाते हैं, अगर ये फ्री नहीं घूम रहा है तब बड़ी दिक्कत हो जाती है और ये हम इसको टाइट नहीं कर पाते हैं टाई को। तो ये एडजस्टर एकदम फ्री घूमना चाहिए तो इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो इस तरह से ये एक नंबर, दो नंबर और फिर इसके बाद में तीन नंबर टाई हम लगा देते हैं यहाँ पे। और दोस्तों इस बार हमने पहले से ही इसमें कॉलम में और वाल में ये सब प्लेट फिट कर ली है और ब्रैकेट वेल्ड करा दिया है, तो इससे अपना काम थोड़ा आसान हो जाता है दोस्तों। और ये तीसरे नंबर की टाई है जो हम यहाँ पर अभी लगाने जा रहे हैं, और इसके बाद में फिर हाइट का काम हमें करना है और इस पर सेक्शन हम लगाएंगे फिर बाद में। दोस्तों कंपनी ये कहती है कि पहली जो सपोर्ट है वो आप 30 मीटर पे दो और उसके बाद में 24-24 मीटर पे दो। तो इसी तरह अगर बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा है तो वो फिर दूरी कम होती चली जाती है, 24 मीटर से फिर 18 मीटर पे आ जाती है, 15 मीटर पे आ जाती है। तो इस तरह से बिल्डिंग की हाइट पर डिपेंड करता है कि ऊपर की सपोर्ट हम कितने दूरी पर, यानी कितनी ऊँचाई पर दे रहे हैं, कितनी लेंथ के बाद दे रहे हैं। तो अभी हमने पहली इसकी सपोर्ट जो दी थी वो 30 मीटर पर दी थी और दूसरी अब ये 24 मीटर वाली है जो हम दे रहे हैं, ये दूसरे नंबर की ही सपोर्ट है। दोस्तों सपोर्ट के ऊपर हम 10 सेक्शन लगा सकते हैं, 10 सेक्शन से ज़्यादा हमें नहीं लगाने चाहिए,
ये कंपनी रिकमेंड नहीं करती है कि हम 10 से ज़्यादा उस पर लगाएं। तो हम यही कोशिश करेंगे कि हम अपनी जो हाइट करनी है हमें क्रेन की, वो नो सेक्शन ही करेंगे, हम ज़्यादा नहीं करेंगे, हम 10 तक भी नहीं जाएंगे। तो अब इसके बाद में हाइट का काम बचेगा, और यहाँ पे अभी एकदम इसमें पिन नहीं लगाएंगे, पहले इसका साउल, ये साउल होने के बाद में ही इसको एडजस्टर से टाइट करके पिन लगा के, और ये देखो यहाँ पे ये साउल का काम शुरू हो गया है, क्योंकि टाई तो रखी गई है। अब जैसे ही क्रेन को खड़ी करके इसमें बैलेंस करके इसको सही साउल कर लेते हैं और सही जगह पर इसको फिट कर देंगे, और इसमें फिर पिन लग जाएगी और ये सेट हो जाएगी यहाँ पे, और उसके बाद हाइट का काम शुरू करेंगे। तो अब ये काम लगभग कंप्लीट हो गया है, इसका साउल हो चुका है और ये सब लग चुके, और सेक्शन चढ़ाने अब शुरू कर दिए हमने। एक सेक्शन हमने प्लेटफार्म पर रख दिया है और एक बैलेंस के लिए इसमें लटका देते हैं। और अब यहाँ पे इसके ये आप यहाँ पे ध्यान दें कि ये जो केज में जुड़ा हुआ हिस्सा है क्रेन के ऊपर का, ये वाला इसमें जुड़ा रहेगा केज में, और यहाँ से आप इसके दोनों चारों तरफ ध्यान दें कि ऊपर का हिस्सा ये चारों तरफ जुड़ा रहेगा, और ये नट बोल्ट जो है ये हम खोल देंगे तो सेक्शन वाला हिस्सा खुल जाएगा इसका, तो ऊपर के सेक्शन वाला हिस्सा खुल जाएगा, बाकी नीचे की ऐसी जुड़ी रहती है, और ये ऊपर का हिस्सा केज पे आ जाता है उस टाइम पे, वरना तो ये वजन सेक्शन और केज दोनों पे रहता है। और उसके बाद में अब जब हम इसको जैक पर उठाएंगे तो उस टाइम पे सारा का सारा ऊपर का जो वजन है क्रेन का वो केज पर आ जाता है, और ये पावर पैक है, यानी जो प्रेशर जैक में हाइड्रोलिक जाता है वो यहाँ से जाता है, ये इसमें मोटर लगी हुई है, इसका काम होता है इसमें हाइड्रोलिक टैंक से, इस टैंक से हाइड्रोलिक को प्रेशर जैक में भेजना, और तब जाके प्रेशर जैक ये वाला जैक इसको ऊपर उठाता है क्रेन को। और इसमें इसके लॉक जो साइड में दिए रहते हैं उसमें ये फंसता है, इसका एक फ्रेम नीचे का है वो वहाँ इन लॉक में फंसा रहता है, वहाँ से ये जोर लगाकर क्रेन को उठाता है। दोस्तों ये एक सेक्शन की प्रक्रिया दो बार में पूरी होती है, कि एक बार ये जब एक लॉक तक पहुँच जाते हैं तब वहाँ से प्रेशर जैक को वापस से खींचकर दूसरे लॉक में फंसा कर दोबारा से उठाई जाती है क्रेन को। तो दो बार में उठाने के बाद में एक सेक्शन का गैप बन पाता है, और यही प्रक्रिया हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो इस तरह से जब ये सेक्शन यहाँ पे हम लेके आते हैं तो पहले इसमें जो इसके व्हील हैं वो लगाए जाते हैं, जिससे कि ये जो यहाँ पर इसकी पटरी दी रहती है अंदर गैप में घुसाने के लिए सेक्शन को, तो उस पर आसानी से ये व्हील इसको ले जा सके सेक्शन को, तो वो यहाँ पर फिट कर लिए जाते हैं और एक रस्सी के सहारे इसको बांध लिया जाता है। तो ये चार व्हील हमारे पास में रहते हैं इसके, रोलर जिसे हम बोल देते हैं, तो ये सेक्शन में लग जाते हैं, ऐसे आसानी से ये लग जाते हैं, आसानी से निकल जाते हैं, और इसको फिर यहाँ पर जो इसकी पटरी बनी हुई है उस पर रख दिया जाता है। तो ये जैसे अभी हमने व्हील यहाँ पर फिट कर लिए हैं, तो अभी हम इसको डाउन करा के इस पटरी पर रख लेंगे, और जब क्रेन बीच में से उतना गैप बना पाएगी जितने में एक सेक्शन लग जाए, तब इस सेक्शन को उसके अंदर धकेल कर उसमें नट बोल्ट लगा लिए जाते हैं। तो ये प्रक्रिया हम आपको एकदम सही से दिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस रस्सी से बांध के इसलिए रखा जाता है जिससे कि क्रेन जब बीच में से ऊपर उठती जाए और वो गैप बनता जाए तो ये अंदर की तरफ इसमें ना फंसे, और यहाँ पर इसीलिए ये रस्सी बांधी जाती है। तो ये प्लेटफार्म के साथ में ही रुका रहता है, इसको एरिक्सन प्लेटफार्म बोलते हैं जिस पर ये रखा रहता है। तो अब क्रेन के हुक से इसे खोल लिया जाता है, और यहाँ पे आप देखो ये डबल पोज में हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ प्रेशर जैक ऊपर उठता चला जाता है और उसी के साथ साथ क्रेन में ये गैप मेंटेन होता चला जाता है। तो ऊपर का हिस्सा क्रेन का उठता चला जाता है, केज ऊपर के हिस्से को उठाता चला जाता है, तो ये गैप मेंटेन होता चला जाता है, ये गैप बनता चला जाता है, और ये गैप उतना बन जाता है कि जिसमें फिर एक सेक्शन पूरा का पूरा आ जाए, उतना ही बन पाता है, उससे ज़्यादा हम इसमें गैप नहीं बना पाते हैं क्योंकि उसका केज उतना ही दिया रहता है। तो दो बार में हमने आपको बताया कि दो बार में ये प्रक्रिया पूरी होती है, तो एक बार में जब प्रेशर जैक पूरा खुल जाता है तो उसको फिर दोबारा से दूसरे लॉक पर फंसा कर तब जाके ही उसको
दोबारा से करके क्रेन को उठाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये गैप किस तरह से बनता है इसमें, तो ये आपकी समझ में ज़रूर आ जाएगा। और अब इसको आप पहचान लो, ये लोग अभी जो यहाँ पे फंसा हुआ है इसमें फंस के और तब जाके वो क्रेन के हिस्से को ऊपर उठा रहा है प्रेशर जैक, यहाँ से वो जोर लगा रहा है। तो जब ये पूरा खुल जाएगा तो फिर एक बार इसको यहाँ से फ्री करके, और इसमें नीचे की तरफ आपको लॉक दिखाई दे रहे होंगे तो हम आपको एक मार्क करके भी दिखाएंगे इसमें कौन से लॉक की हम बात कर रहे हैं। तो उस पर फिर क्रेन रुकी रहती है। तो नीचे की तरफ आपको एक लॉक दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी ये दो तरफ रहते हैं, तो प्रेशर जैक के लेफ्ट राइट दोनों तरफ रहते हैं। यहाँ पर ये आपको यहाँ से दिख जाएगा वो नीचे की तरफ जो लॉक है, जब ये यहाँ पर आ जाता है तब क्रेन को डाउन करके इसके सहारे छोड़ दी जाती है, तब प्रेशर जैक फ्री हो जाता है और अब इसको ऊपर की तरफ खींच लिया जाता है और दूसरे यहाँ पे फंसा लिया जाता है। यहाँ पे जब इसको हम यहाँ पे ला के फंसा देंगे तब यहाँ से फिर ऊपर उठाना शुरू करेंगे और तब प्रेशर जैक क्रेन को फिर वापस से ऊपर उठाना शुरू कर देगा। तो दो बार में ये इतना गैप बना देता है जिसमें एक सेक्शन अंदर इसमें घुस जाए, तब जाके इसी तरह से क्रेन ऊंची उठती चली जाती है और हम उसके सेक्शन को इसमें अंदर घुसा के तब जाके इसके नट बोल्ट लगा कर और फिर दूसरा सेक्शन लगाना शुरू करते हैं। इसी तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि ये यहाँ हमने लगा दिया है ऊपर के लॉक में, अब फिर से ऊपर उठाना शुरू करेंगे और ये गैप इतना मेंटेन करेंगे यहाँ पर कि जिससे ये सेक्शन इसके अंदर आ जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि एरिक्सन प्लेटफार्म के पास में दूसरी तरफ जो सेक्शन है वो क्रेन के मास्ट लगे हुए हैं नीचे से ऊपर तक के, वो यही हैं और इसमें इतना गैप हो गया है जिससे अभी हम आसानी से इस सेक्शन को अंदर इसमें लगा सकते हैं। तो इस पटरी पर वो पहिए जो हमने इसमें लगाए थे, जो इसके रोलर होते हैं, उस रोलर के सहारे ये अंदर तक आ जाएगा। ये रस्सी अब खोल दी जाती है क्योंकि अब हमें इसे अंदर धकेलना होता है। उसका ध्यान रखना तो इस तरह से ये अब अंदर धकेल देते हैं हम इसको। ये भी ध्यान रखना होता है कि रोलर इस पटरी से ना उतरे, तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है यहाँ पे, वो नीचे तो नहीं गिरेगा लेकिन थोड़ा इधर उधर फंस जाता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो ये आसानी से यहाँ पर इस पटरी के सहारे आ जाता है और अपनी जगह पर ये फिट हो जाता है। तब जाके नीचे के नट बोल्ट हम टाइट करते चले जाते हैं और ऊपर फिर सेक्शन फिर से उठाकर यही प्रक्रिया चलती रहती है। और लास्ट में जब जो लास्ट का सेक्शन हम लगाते हैं उसमें फिर नीचे ऊपर दोनों तरफ के नट बोल्ट टाइट कर दिए जाते हैं। तो जब तक हम इसमें ये लगाते रहते हैं तब तक नीचे ऊपर दोनों के नहीं करते हैं नट बोल्ट टाइट, नीचे के टाइट कर देते हैं और ऊपर जनरली वैसे ही डाल देते हैं और उसमें क्रेन को हम हाइड करते चले जाते हैं। अब यहाँ पर प्रेशर जैक को नीचे की तरफ हम ला करके क्रेन को थोड़ा डाउन करते रहेंगे और ये इस पर हम बैठा देंगे यहाँ पे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये प्रक्रिया पूरी समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में नहीं आई तो हमें कमेंट में बताएं, तो हम इससे और बेहतर कोई उपाय देखेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो इस तरह से ही ये वन बाय वन करके एक के बाद एक सेक्शन लगा लिया जाता है और फिर नट बोल्ट यहाँ पे टाइट कर लिए जाते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल एसके इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस पे कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई मशीनरी की जानकारी आपको मिलती रहेगी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल। तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो हमारी वीडियो तो कंटिन्यू देखते हैं लेकिन उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।